कौन है शेरू का असली दुश्मन? शेरू अपनी दुकान में समोसा बेचता था। एक लड़की हर रोज शेरू की दुकान पर समोसा खाने आती है और शेरू फ्री में समोसा दे देता था, लेकिन मन ही मन शेरू को लड़की से डर लगता था। शेरू की दुकान पर हर वक्त रस लगा रहता था, जिससे लुमू बहुत जलता था। एक रात जब शेरू अपनी दुकान के लिए समोसा लेकर जा रहा था, तो लुमू उसे समोसा छीनकर भागने लगता है। शेरू भी गुस्से में उसके पीछे भागता है, लेकिन वह एक गड्ढे में गिर जाता है। शेरू को फंसाने के लिए लुम ने ही गड्ढा खोदा था। वह जोर जोर से हंसने लगता है। गड्ढे के अंदर शेरू बहुत परेशान था, लेकिन तभी उसे लुम्मू के चीखने की आवाज़ आती है। शेरू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वह हिम्मत करके गड्ढे से बाहर निकला तो लुलू बुरी हालत में वहाँ पड़ा था, और वही लड़की वहाँ से जा रही थी। कमेंट में बताएं, लड़की ने शेरू को क्यों बचाया? शेरू भूतिया रोड पर मैराथन दौड़ने आया। शेरू को पता था कि ये रास्ता भूतिया है, पर इनाम बड़ा था और पैसे की जरूरत थी, इसलिए दौड़ने लगता है। और कुछ ही देर में शेरू सारे प्लेयर को पीछे छोड़ देता है, पर तेजी से दौड़ने के कारण अब शेरू थक चुका था। तभी शेरू पीछे देखता है, एक प्लेयर पास आ गया है, और पास आने पे पता चलता है एक अजीब सा डॉल उसके सर पे बैठा था। शेरू डरते हुए उसको इशारे से बताता है, पर वो आगे निकल जाता है। शेरू को अब घबराहट सी होने लगती है। तभी देखता है एक और प्लेयर पास आया, जिसके ऊपर भी वही डॉल है। शेरू चीखते हुए बताने की कोशिश करता है, पर वह भी आगे निकल जाता है। तभी देखता है एक और प्लेयर आ जाता है, पर उसके ऊपर कोई नहीं था। शेरू बेचारा अब राहत की सांस लेता है। तभी वह प्लेयर शेरू की तरफ इशारा करने लगता है, क्योंकि वो ही डोल शेरू के ऊपर बैठी थी।